हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ सनस्क्रीन्स। भाई बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है आजकल, एंड अगर आपने अब तक एक सनस्क्रीन में इन्वेस्ट नहीं किया है, आई वुड बी ऑनेस्ट विथ यू, अब कर लो, इट्स हाई टाइम। एंड अगर आपको नहीं पता कौन सी सनस्क्रीन आपको लेनी चाहिए सो फार, सो मैं इस साल की कुछ बेस्ट सनस्क्रीन्स लेकर आई हूँ आपके लिए, एंड यू शुड डेफिनेटली गेट एटलीस्ट वन ऑफ दोज। वी आर लिविंग इन 2023। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको सनस्क्रीन के बेनिफिट्स बताने की बिल्कुल भी जरूरत है, बिकॉज इट्स ऑल ओवर द इंटरनेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, इट्स अ हैप्पी प्लेस टू बी, कम से हाई। एंड नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको सारे ही तीनों सनस्क्रीन से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, एंड ऑल्सो अगर आपको एक स्पेसिफिक सनस्क्रीन पे ही जाना है, यू वॉन्ट टू सी दैट स्पेसिफिक रिव्यू, तो सारे ही चैप्टर्स इंक्लूड कर रही हूँ। यू कैन स्ट्रेट अवे क्लिक ऑन द टाइम एंड गो टू दैट वेरी सनस्क्रीन। सो सबसे पहले है फिक्स डर्मा का शेडो SPF 30+ जेल। दूसरा है मेरे पास ये लॉरियल का यूवी डिफेंडर, एंड इसका जो वेरिएंट है विच इज करेक्ट एंड प्रोटेक्ट। एंड द लास्ट वन विच इज दिस एक्वालॉजिका सनस्क्रीन, ये है इनका ग्लो डुई सनस्क्रीन मेरे पास। इसको मैंने अभी रिसेंटली ही परचेज किया है, हाउएवर ये जो दोनों है ये मैंने लास्ट ईयर परचेज किए थे, तब से मैं इनको यूज कर रही हूँ। इससे पहले कि मैं इन तीनों ही सनस्क्रीन के बारे में स्टार्ट करूं बताना, दिस मच इज द क्वांटिटी यू शुड बी एटलीस्ट वेयरिंग ऑन एवरीडे बेसिस। This is a two finger method of sunscreen, which is enough for your full face and neck. So first, this is how the packaging looks like. Aqualogica Glow Plus Dewy Sunscreen. इसमें है पपाया and vitamin C extracts. ये brighten भी करता है and hydrate भी करता है, ऐसा लिख रहे हैं ये लोग. And also this is SPF 50+, PA++, UVA, UVB protection. And इसमें जो भी सारे ingredients है, everything is mentioned here. मैं थोड़ा सा zoom करके यहाँ image आपको दिखा दूंगी. This just retails for $399. इवन मुझे तो ये कुछ 350 के अराउंड मिला, क्योंकि मैंने थोड़ा डिस्काउंट पे लिया था। करंटली भी ये डिस्काउंट पे चल रहा होगा किसी ना किसी वेबसाइट पे। आई ट्राई टू गिव यू द डिस्काउंटेड लिंक ऑफ दिस प्रोडक्ट, सो यू कैन गो अहेड एंड चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। इट्स बेसिकली अ पंप पैकेजिंग। इसमें दो और भी वेरियंट्स आते हैं, दिस इज द ग्रीन वन, आई थिंक दिस इज द रिफ्रेशिंग वन समथिंग, एंड देन दिस पिंक वन विच इज रेडियंस समथिंग। सो आप इसको भी ले सकते हो, बट मुझे पर्सनली ये वाला ज्यादा पसंद आया, बिकॉज ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आई वुड से कि मुझे लगता है कि इंडियन स्किन टोन को इंडियन स्किन के हिसाब से ही बनाया गया है, बिकॉज इट ऑल्सो कंट्रोल स्वेट। एंड ऑनेस्टली मैं बहुत ज्यादा स्वेट करती हूँ ऑन माई फेस, स्पेशली ऑन माई आईब्राउज, ऑन माई टी जोन एरिया, मुझे बहुत स्वेटिंग होती है। बट इसको लगाने के बाद आई फील ये थोड़ा सा कंट्रोल करता है स्वेट को भी, एंड दैट्स अ गुड पॉइंट, अ प्लस पॉइंट फॉर मी स्पेशली। अब मैं इसका आपको टेक्स्चर दिखा देती हूँ। बहुत ही लाइट, एक वॉटर जेल लाइक एक टेक्स्चर है, बहुत इजीली ब्लेंड होता है, बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं लगेगा, चिपचिपा नहीं लगेगा। एक्चुअली इट स्मेल्स आल्सो नथिंग। एंड काफी लोगों को जब ये लॉन्च हुआ था तो ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था कि ये स्टिंग करता है आईज पे, बट मुझे ये स्टिंग नहीं किया है बिल्कुल भी आईज के अराउंड भी। इवन मैं आईज पे ऐसे ऐसे लगा लेती हूँ तो मुझको ये स्टिंग बिल्कुल नहीं किया है। आई एम लविंग इट सो फार, एंड बहुत ही क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है, आई जस्ट शो यू। एंड बिल्कुल मैट फिनिश देता है, ऑल्सो इसकी कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं है, यू कैन वेयर दिस अंडर मेकअप, बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं बनाएगा आपके मेकअप को कुछ घंटों बाद। अगर आपकी ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, यू विल बी सॉर्टेड फॉर योर इंटायर लाइफ। इसको ले लो, यू आर डन। Now moving on to another sunscreen, and I would say this is also my last year's favorite. मुझे ये sunscreen बहुत अच्छा लगा था जब मैंने इसको use किया था, and this is the Fix Derma Shadow SPF 30+ gel. ये basically एक pharmaceutical drug type of sunscreen है. This is PA++ UVA UVB protection के साथ. This is water resistant, non greasy, and excessive sweating अगर आती है या oily combination, T zone वाला area है आपका बहुत ज्यादा sweaty, तो आप इसको use कर सकते हो. Even previous one जो एक्वालॉजिका का भी था, उसके साथ भी सेम ही था कि आप उसको हर एक स्किन टाइप पे यूज कर सकते हो, सेम गोज विद दिस वन एज वेल। सो इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका फॉर्मूला है हल्का सा जेल लाइक, एंड थोड़ा सा ये ज्यादा क्रीमी है कंपेयर टू द एक्वालॉजिका वन। इसको एब्जॉर्ब होने में, सीप इन होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, बिकॉज ये ज्यादा वाटर बेस्ड है, ज्यादा क्रीमी है, यू हैव टू वर्क दिस अ लिटिल बिट मोर, बट ये कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता है, विच इज अ रियली गुड थिंग। एंड आप इवन इस फिक्स डर्मा के भी सनस्क्रीन को मेकअप के नीचे वेयर कर सकते हो, यू जस्ट नीड अ लिटिल मोर टाइम टू गेट इट एब्जॉर्ब। सो आई वुड सजेस्ट कि इसको लगाने के बाद 2-3 मिनट रुक जाओ एंड देन डू योर मेकअप। पर्सनली लास्ट ईयर मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, मैंने इसको बहुत ज्यादा यूज किया था। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट
सनस्क्रीन विच इज दिस लॉरियल यूवी डिफेंडर यूवी सीरम प्रोटेक्टर करेक्ट एंड प्रोटेक्ट वाला वेरियंट है ये मेरे पास. इसमें चार और वेरियंट आते हैं विच आर लिंक जस्ट हियर. दिस इज SPF 50 प्लस PA 4 टाइम्स प्लस लॉन्ग UVA नो वाइट कास्ट नो शाइन एंड इट इज नॉन स्टिकी. इसकी जो पैकेजिंग है ये बेसिकली एक ऐसी पाउच पैकेजिंग में आता है. इसके पीछे सारी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं जो कि इसके पीछे थोड़ी कम है सो आपको ये संभाल के रखना ही पड़ेगा. मैंने लास्ट ईयर से इसको संभाल के रखा हुआ है जस्ट फॉर दिस वीडियो दैट आई एम मेकिंग टुडे. सो इसका प्राइस है 699 रुपीज. इट्स ऑलवेज ऑन डिस्काउंट सो यू कैन फाइंड इट. पैकेजिंग इसकी कुछ इस टाइप की है एंड इट्स लाइक दिस स्क्वीज बॉटल काइंड ऑफ अ पैकेजिंग हियर. ये जो सनस्क्रीन है ये थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी की है. इट्स नॉट लाइक दैट यू नो वॉटर बेस्ड जेल सॉर्ट ऑफ सनस्क्रीन. इसमें हल्का सा टिंट भी है सो इवन इट वर्क्स एज अ स्किन परफेक्टर. एक बहुत ही लाइट सा कुछ कवरेज दे देगा. सो इसका मैं फॉर्मूला आपको दिखा देती हूँ कि कैसा है. इट हैज सम टिंट यानी किसी भी स्किन टोन पे बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि डस्की कॉम्प्लेक्शन पे व्हाइट कास्ट देगा या फेयर पे अच्छा नहीं लगेगा. आई वुड से कि इसको ब्लेंड करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है कम्पेयर टू ऑल द टू सनस्क्रीन आई शोड यू अर्लियर. ये ब्लेंड होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है एंड ऑल्सो आफ्टर 4 to 5 hours इट स्टार्ट्स लुकिंग ग्रीजी लाइक एनीथिंग. मेकअप आपका थोड़ा यू नो 4-5 घंटे के बाद ग्रीसी दिखेगा. शाइन बहुत ज्यादा आएगा. सो जैसा कि इस पे लिख रहे हैं ना नो शाइन इट्स अ टोटली फॉल्स क्लेम आई वुड से. बट ओवरऑल अगर आप सनस्क्रीन ही लगाते हो केवल मेकअप नहीं करते हो देन फाइन. एंड जैसा कि आप मेरे हाथ पे देख सकते हो दिस लॉरियल वन इज लुकिंग एक्सट्रीमली शाइनी. मैं आपको फोन टेस्ट भी करके दिखाती हूँ कि वेदर ये फोन पे ट्रांसफर होता है विच आई थिंक इट विल. एंड यस देखो I hope you can see all this transfer here on my phone. मुझे थोड़ा सा कम पसंद है but so far इतना बुरा नहीं है. मेकअप नहीं अगर वेयर करती हूँ तो ही मैं इसको लगाती हूँ. मेकअप के नीचे I always go ahead and prefer fixed derma or the aqualogica one. So guys with this I come to an end and do let me know आप इन तीनों ही सनस्क्रीन में से कौन सा ट्राई करने का सोच रहे हो. अगर आपकी स्किन ऑयली कॉम्बिनेशन है I will highly recommend you to try the aqualogica one. अगर आपको all skin types पे सनस्क्रीन को वर्क कराना है then you can go ahead and try this fixed derma one. ये dry skin, normal skin type वालों के लिए भी बहुत अच्छी है. And अगर आप makeup नहीं wear करते हो on a regular basis, then you can go and try this L'Oreal one. तो ये gist भी मैंने दे दी, conclude कर दिया video को, ताकि आपकी सारी जो भी sunscreen related queries हैं, वो खत्म हो जाए. Well, in case अगर और भी queries हैं, then I'm always available. You can ask me anything in the comment section down below. I will be seeing you next time really soon in another video. Bye guys.